गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने लेसन 10 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग लेसन 11 करेंगे। लेसन 11 है हैज एंड हैव। देखो पेज नंबर 67 ओपन करेंगे और चैप्टर का नाम है हैज एंड हैव। ठीक है, वी यूज हैज एंड हैव टू शो बिलोंगिंग। बिलोंगिंग मतलब जैसे मेरे पास ये है तो आई हैव दिस, तुम्हारे पास बॉल है, यू हैव अ बॉल, उसके पास बैट है, ही हैज अ बैट। तो ये हैज़ वर्ड, जैसे टोनी हैज़ अ बुक, आई हैव अ पेंसिल, शी हैज़ अ बैग, तो ये बिलोंगिंग को शो करता है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ चिल्ड्रेन होल्डिंग डिफरेंट थिंग्स, गिव ईच चाइल्ड नेम, देन से दैट ईच चाइल्ड हैज़। अब देखो ये देखो, टॉम हैज़ 7 बुक्स, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसका नाम दे दो कुछ भी, है ना। मान लो इसका नाम हम लोग दे देते हैं राधा या रेनू, तो रेनू हैज़ अ टेडी बियर। ठीक है, देखो दिखाई देगा तुम्हें। हमने इसको अपने से नाम दे दिया। अब देखो, अब ये देखो इसके पास क्या है, इसके पास ड्रम है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये कौन है, मान लो ये है राजू, राजू हैज अ ड्रम। ठीक है ना। अब देखो ये टॉयज से खेल रहा है या ब्लॉक्स हैं इसके पास, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं टॉनी हैज मैनी ब्लॉक्स। ठीक। अब देखो वो साइकिल चला रहा है, तो कोई भी नाम लिख सकते हो इसका, कुछ भी। तो इसका नाम हम लोग क्या रखें, टॉम रख देते हैं। टॉम हैज अ साइकिल, ये साइकिल है इसके पास, है ना। तो देखो हैज़ का यूज़ क्या होता है, जो वन पर्सन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, या कोई एक चीज़ के लिए हम लोग जिसके बारे में बात करें उसके लिए। जैसे द चाइल्ड हैज़ अ टॉय, इट हैज़ अ कैप। ठीक है, इन दिस स्टेट सेंटेंस द चाइल्ड एंड इट विल रेफर टू वन पर्सन और थिंग, एक चीज़ के लिए हो रहा है। वी हैव यूज, वी स्पीक अबाउट मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा लोगों के लिए बात करेंगे तो हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दोज बॉयज़ हैव अ बॉल ईच, We have a car, Ram and Raj have many friends। तो I के साथ और साथ में I के साथ भी have का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। अब देखो यहाँ पर This tree has yellow flowers। अब देखो यहाँ पर हमें भरना है इस जगह पे He has many friends। He एक है, ठीक है, तो इसके हम लोग बात करेंगे। He has many friends। The child has a spider has, एक spider की बात हो रही है ना, ठीक है। A box has, she has six children, some monkeys have, यहाँ पर जी वाले में have करेंगे क्योंकि some monkeys प्लूरल फॉर्म में है ना। वी हैव अ हॉलीडे टुडे, हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव, द गर्ल हैज अ डॉल, दिस लेसन हैज सम डिफिकल्ट वर्ड। ठीक हो गया ये। चलो अब हम लोग आगे काम करते हैं। यहां क्या करना है, यहाँ पर जैसे अपने बारे में लिखना और अपने दोस्त के बारे में लिखना। यहाँ पर अपने दोस्त का नाम पहले लिख लेंगे, जिस दोस्त के बारे में लिखेंगे। अब जैसे मेरे पास क्या है और मेरे दोस्त के पास क्या है, है ना, वो लिखना है आपको। जैसे आई, वहाँ पर उसने लिखा आई हैव अ रेड पेंसिल, तो आप लिख सकते हैं आई हैव अ ग्रीन बॉल। माई फ्रेंड हैज अ,
अब तुम्हारे दोस्त के पास जो उसी कलर की मांग, तुम्हारे बेस्ट दोस्त के पास रेड बॉल होगी, तो यहाँ पर रेड बॉल लिख दोगे, ठीक है ना। फिर और क्या लिख सकते हो, आई हैव सिक्स बुक्स, मान लो अब तुम्हारे पास जितनी बुक्स होंगी तुम अपना अकाउंट करो, माई फ्रेंड हैज, तुमको पता होगा अपने दोस्त में, मतलब माई फ्रेंड हैज सेवन बुक्स, इसी तरह से ये अपने से आप फिल करेंगे, ओके इसको बना लेंगे। बेटा ये चैप्टर हमारा हैज और हैव वाला कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।